इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में धूल चटाने के लिए घोषित हुई भारत की टीम, विराट कोहली ने किए बड़े बदलाव देख इंग्लैंड के कप्तान हुए हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच आज सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कई चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम की पूरी प्लेइंग 11 दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी पहले मुकाबले में एक दूसरे की टीम को टक्कर देने के लिए उतर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखते रहें वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि पहले मुकाबले में टीम इंडिया शानदार जीत दर्ज करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला वनडे मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा दिन के 1:30 पर, और इस मुकाबले को आप लाइव देख सकते हैं टेलीविज़न पर स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर, और साथ ही मोबाइल पर आप इसे लाइव देख सकेंगे हॉटस्टार पर। तो वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और भारतीय टीम के बीच आज ये मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें अपनी पिछली वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से हारी हुई है, लेकिन टीम इंडिया चाहेगी यहाँ पर अपने ही घर में इंग्लैंड को रौंदे, क्योंकि पिछले 29 साल से टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी वनडे सीरीज नहीं हारी है। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बात करें ओवरऑल मुकाबलों की, तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा, जहां पर 100 वनडे मुकाबलों में से भारत ने 53 जीते हैं तो इंग्लैंड की टीम 42 मुकाबले ही जीत पाई है। लेकिन आखिरी 5 वनडे मुकाबलों की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया को 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि सिर्फ एक ही मुकाबला टीम इंडिया जीत पाई है। आखिरी बार दोनों टीमें जब वर्ल्ड कप 2019 में आमने सामने हुई थी तब इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हराया था। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पुणे के मैच के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है, तो साथ ही तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिच से बल्लेबाजों को जरूर मदद मिलेगी या स्पिनर्स को भी थोड़ी मदद मिलने की संभावना है। जनवरी 2017 में खेले गए वनडे में इंग्लैंड ने 7 विकेट गंवाकर 350 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 356 रन बनाकर मुकाबला जीता था। तब टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और केदार जाधव ने शानदार शतकीय पारियां खेली थी। लेकिन दोस्तों, हम बात करें अब इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की, तो इस वनडे मुकाबले के लिए तय है कि भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने यह साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा ही शिखर धवन के साथ ओपनिंग करेंगे। धवन ने वर्ल्ड कप के बाद जून 2019 के बाद से 9 वनडे खेले हैं, जिनकी 7 पारियों में उन्होंने 46.85 की औसत से 328 रन बनाए हैं, यानी कि उनका फॉर्म अच्छा है। और पिछले विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने एक शानदार शतक भी लगाया था, तो यहाँ पर उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि इन्होंने T20 सीरीज में सिर्फ एक ही मुकाबला खेलने का मौका मिला था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से KL राहुल को इस मुकाबले में मौका नहीं मिलने वाला है, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव की भी फिलहाल जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में। लेकिन यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में कोहली, अय्यर और पंत संभालेंगे पूरे मिडिल ऑर्डर को। वहीं पर इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को डेब्यू करने का मौका तभी मिल सकता है जब टीम इंडिया सिर्फ 5 गेंदबाजी ऑप्शन के साथ ही मैदान पर उतरेगी, लेकिन ऐसा इस मुकाबले में शायद ही टीम इंडिया करेगी, क्योंकि यहां पर 6 गेंदबाजी ऑप्शन के साथ मैदान पर उतरना जरूरी होगा इंग्लैंड जैसी खतरनाक बल्लेबाजी टीम के सामने। वहीं पर अब हम बात करते हैं इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 की, कि आखिरकार इंग्लैंड की टीम कौन कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में मैदान पर उतर रही है। वहीं पर इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहां पर जेसन रॉय और जॉनी बेरिस्टो उतरने वाले हैं। इसके बाद टीम की तरफ से नंबर 3 पर बेन स्टोक्स उतरेंगे तो नंबर 4 पर इयान मॉर्गन उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 5 पर जोस बटलर उतरेंगे तो नंबर 6 पर सैम बिलिंग्स उतरेंगे, नंबर 7 पर मोइन अली और नंबर 8 पर सैम करन उतरने वाले हैं, नंबर 9 पर मार्क वुड तो नंबर 10 पर आदिल रशीद उतरेंगे और नंबर 11 पर टॉप ले उतरने वाले हैं। यानी कि टीम के पास 2 बेहतरीन स्पिनर भी मौजूद रहेंगे, तो यहाँ पर 3 तेज गेंदबाजों का अच्छी लाइनअप भी रहेगी, यानी कि एक मजबूत टीम के साथ उतर रही है इंग्लैंड की टीम। तो वहीं पर टीम इंडिया की बात करें यहाँ पर, तो टीम इंडिया के पास भी इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देने के लिए कई शानदार प्लेयर मौजूद हैं। तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन, तो बेहतरीन खिलाड़ी भारत की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जो टीम इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 3 पर दिखेंगे कप्तान विराट कोहली, तो वहीं पर नंबर 4 पर सुरेश अय्यर खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद नंबर 5 पर ऋषभ पंत दिखेंगे तो नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या दिखने वाले हैं। वहीं पर नंबर 7 पर यहाँ पर अपना डेब्यू करेंगे कुणाल पांड्या, या फिर उनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। तो वहीं पर नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर
ठाकुर उतरने वाले तो नंबर 10 पर टी नटराजन या फिर मोहम्मद सिराज में से कोई एक खेलता हुआ हमें दिखेगा। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल दिखने वाले हैं, यानी कि टीम इंडिया कुणाल पांड्या और युजवेंद्र चहल जैसे स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकती है। तो वहीं पर चार तेज गेंदबाजी ऑप्शन रहेंगे जिसमें भुवनेश्वर कुमार, शरदुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या और टी नटराजन शामिल है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 के साथ उतर कर टीम इंडिया इंग्लैंड को पहले मुकाबले में धूल चटा पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही आज का मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।